चलिए हम देखते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 25 है, इसमें मैं एक आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है कि असाइनमेंट नंबर 24 अगर आपने कर लिया है, ये ऊपर वाला सेम फॉर लूप से था और ये वाइल लूप से है। तो आपके पास अगर ऐसा कोड है, 24 नंबर का जो असाइनमेंट है उसका कोड मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमने 24 नंबर का जो कोड है वो कर रखा है। तो यहाँ पर जो ये लूप है, फॉर लूप, यहाँ पर दो लूप हैं फॉर के, नेस्टेड लूप बोलते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। इन दोनों लूप को आपको वाइल में कन्वर्ट करना है। तो एक एक करके आप कन्वर्ट करिए, पहले इस लूप को लेते हैं, इसको हम वाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा इसलिए इसको यहाँ से उठा के हम कॉपी करके नोट पैड में ले जाते हैं। तो नोट पैड में ले आया हमने, इस फॉर को हम लोग वाइल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि फॉर को वाइल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर मिटा के लिखा जाता है वाइल, नेक्स्ट मिटा के लिखा जाता है वेंड, और यहाँ पर ये जो सी इज इक्वल टू वन है वो यहाँ लिखा जाता है ऊपर, सी इज इक्वल टू वन, और यहाँ पर जो फाइव है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, सी लेस देन इक्वल टू फाइव। और यहाँ पर स्टेप वन के लिए आपको लिखा जाता है यहाँ पर सी इज इक्वल टू सी प्लस वन। ये आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, एक लिंक मैंने दिया है जिसमें फॉर को वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कुछ प्रोसीजर होता है। अब इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, इस कोड को मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये मेरा वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गई है, मैं इसका अलाइनमेंट सेट कर दिया। देखिए अंदर वाला जो लूप है वो वाइल में कन्वर्ट हो गया है, अब मुझे ये बाहरी लूप भी वाइल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी वही करना है हमको, इस पूरे को ले जाइए नोट पैड में ले जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा जो फॉर लूप है यहाँ पर ये, अब अंदर का इतना हिस्सा हम नहीं छेड़ेंगे, अंदर का इतना हिस्सा हमको नहीं छेड़ना है, सिर्फ ये वाले फॉर को हमको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, फॉर मिटा के लिखते हैं वाइल, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि फॉर को वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेंड, और ये r इक्वल टू वन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा r लेस देन इक्वल टू फाइव। और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो स्टेप वन होता था इसमें, वो सबसे लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इसके लिए r जो है वो है r इक्वल टू r प्लस वन, बन गया। इस पूरे को आप कॉपी करिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको इस पूरे से रिप्लेस कर देना है, पूरा मिटा दिए और यहाँ पर उसको ले आ दिए। अब अलाइनमेंट देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगी आपकी। ये है आपका फॉर लूप, इनर फॉर लूप, ये है आउटर फॉर लूप, और इनकी संख्या 5 5 तक चल रही है और इस तरीके से चलते जा रहा है। आगे अगर 6 r करना है तो यहीं पर इस नंबर्स को चेंज करना होगा। अब देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये P1 से बना है, सेम लूप हमको यहाँ पर मिल गया यूजिंग वाइल लूप। तो असाइनमेंट नंबर आपका जो है इसी तरीके से आपको सारे को कन्वर्ट करते जाना है। तो अगर आपने असाइनमेंट नंबर 24 बनाया है तो सबको ऐसे इस फॉर को फिर वाइल में कन्वर्ट करते जाइए आप, क्लियर है। इनको भी वाइल में कन्वर्ट करिए, मैं एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे ये P2 जो है ये ऐसा पैटर्न दे रहा है, तो P2 को वाइल में कैसे करेंगे, यहाँ पर P2 को वाइल में हम लोग कर रहे हैं, ये फॉर लूप में लिखा हुआ है। तो वाइल में मैं अब यहीं पे डायरेक्ट करने वाला हूँ, नोट पैड में नहीं ले जाऊँगा, मैं यहाँ पर फॉर मिटा के लिखूँगा वाइल, यहाँ नेक्स्ट मिटा के हम लोग लिखेंगे वेंड, ठीक है, सी इज इक्वल टू वन को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सी लेस देन इक्वल टू आर। बस वो 3 चेंजेस करना है आपको, और यहाँ पर लिखेंगे सी इक्वल टू सी प्लस वन। ये अंदर वाला लूप कन्वर्ट हो गया, वैसे ही बाहरी वाला लूप भी कन्वर्ट करते हैं। फॉर मिटा के लिखते हैं वाइल, नेक्स्ट मिटा के लिखते हैं वेंड, आर इक्वल टू वन को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ लिखेंगे आर लेस देन इक्वल टू फाइव। ये फिर से मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में इसके लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, और यहाँ लिखेंगे आर इक्वल टू आर प्लस वन। ये सेकेंड वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये भी वाइल लूप में कन्वर्ट हो चुका है, आउटपुट बिल्कुल सेम है।
इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने पूरे पूरे 8ों पैटर्न को, जितने भी पैटर्न है 6-8 पैटर्न, उनको आप व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।